हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में रीजनिंग के एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों अच्छी सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। यहां पर क्या दिया, देखिए यहां पर 63 दिया हुआ है, यहां पर 63, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 63 आएगा, और ऑप्शन में भी 63 दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होगा, पैटर्न को समझना होगा। अब देखोगे यहां पर 23, यहां पर 31 और यहां पर 27। तो यहां पर 23 और 27 से कुछ मिलाकर 31 लाएंगे, कैसे लाएंगे कुछ पता चल नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पर 63 है और यहां पर 23, यहां पर 34, मतलब बीच में बड़ा नंबर है और यहां पर दो छोटे नंबर दिए हुए, राइट। तो काम करता हूं, इस 23 को मैं डबल कर लेता हूं मैं, तो मुझे मिलेगा 46 मिलेगा, ठीक है। अब 63 लाना है मुझे, तो क्या करना होगा, इस 46 को 17 से प्लस करोगे तो आपको 63 मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये 17 आया कहां से, तो आप देखोगे 34 दिया है, तो 34 का अगर आप हाफ कर दोगे, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो आपको मिलेगा 17 मिलेगा। तो इस तरह से मैंने यहां पर 17 प्लस कर दिया। अब यही ट्रिक को यहां पर यूज करके देखते हैं हम लोग। तो यहां पर 27 दिया है, तो 27 का डबल कर लेंगे हम लोग, तो 54 मिलेगा। अब यहां पर 18 दिया है, तो 18 का आधा कर लेंगे, मतलब 18 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे हम, तो यहां पर 9 मिल जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो आपको मिलेगा 63 मिलेगा। देखिए ये हो गया। अब क्या करना होगा दोस्तों, ये ट्रिक तो फॉलो हो गया, तो यही कंसेप्ट को यहां पर यूज करता हूं मैं। तो यहां पर 31 दिया है, तो 31 का डबल कर दूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा यहां पर 62 मिल जाएगा। अब यहां पर 28 दिया हुआ है, तो 28 का अगर हाफ करोगे तो आपको मिलेगा 14 मिलेगा, तो यहां पर प्लस 14 कर दोगे, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, प्लस करोगे तो आपको 76 मिल जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 76। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया नंबर सीरीज से, और नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या होता है, नंबर का डिफरेंस निकालना होता है। तो यहां पर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये दो नंबर का डिफरेंस कितना होगा, 4 का डिफरेंस होगा। अब देखिए ये दो नंबर का डिफरेंस कितना होगा, 24 का आएगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों दो नंबर मैंने डिफरेंस निकाला, मैंने ये कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, तो ये लॉजिक गायब कर दो क्योंकि ये काम नहीं आएगा, कोई और लॉजिक लगाना होगा। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर 1 है, तो अगर 1 का मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर 5 दिया है, तो कोई नंबर का स्क्वायर करने पर 5 तो नहीं आएगा, तो एक काम करता हूं मैं यहां पर 2 का स्क्वायर लिख देता हूं। 2 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर होगा आपका यहां पर 4 होगा। इतना क्लियर हो गया। लेकिन मुझे यहां पर 5 चाहिए, तो यहां पर प्लस 1 करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा। ये हो गया। अब यहां पर 2 लिखा, तो यहां पर 3 लिख देता हूं मैं, तो 3 का क्यूब करने पर क्या होगा, 3 3 9 9 3 27, तो यहां पर 27 लिखूंगा मैं, और यहां पर 29 लाना है मुझे, तो क्या करना होगा, प्लस 2 करना होगा, ठीक है। तो 29 मिल जाएगा। देखिए यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3, इतना समझ में आ गया। यहां पर 1 प्लस किया, यहां पर 2 प्लस किया, तो यहां पर कहीं ना कहीं 0 प्लस किया होगा, मतलब 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे नंबर कौन सा होगा, 4 का होगा, तो 4 का अगर दोस्तों पावर 4 करोगे, 4 का पावर 4 करने पर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां पर 1 का पावर, यहां पर 2 लिया मैंने, लेकिन यहां पर 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर दोस्तों क्या होगा, ये 2 की जगह पर क्या होगा, यहां पर 1 होगा, ठीक है। तो 1 का पावर 1, तो 1 ही आ गया। तो 1 का पावर 1, 2 का पावर देखिए 2, 3 का पावर 3, तो यहां पे 4 का पावर 4 होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं 4 का पावर 4, मतलब क्या होगा, 4 4 16 16 4 64 64 4 4 कितना होगा, 256 होगा। तो यहां पर 256 लिख देता हूं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहां पर 012 है, तो यहां पर 3 प्लस करेंगे, मतलब 259 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए, और ये क्वेश्चन दोस्तों नंबर एनालॉजी से लिया गया है, इसे सॉल्व कैसे करोगे आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले दिमाग में यह आएगा कि यहां पर 24 दिया है और यहां पर 48, तो 24 मल्टीप्लाई बाय अगर 2
कर दो तो 48 आ जाएगा, मतलब इसका डबल कर दिया। तो यहां पर दोस्तों 28 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहां पर 56 आएगा, ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा? तो दोस्तों यहां पर 48 लाने के लिए मैंने 24 मल्टीप्लाई 2 किया था मैंने, जो रॉन्ग हो गया। तो यहां पर और लॉजिक लगाते, कुछ और तरीका ढूंढते हम लोग। तो यहां पर 24 दिया हुआ है, तो 4 माइनस 2 करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, ठीक है। और क्या करूं दोस्तों, इस 2 को दोस्तों 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब चीज तो यही है, लॉजिक तो वही लगाया मैंने 24 मल्टीप्लाई 2, सिर्फ तरीका बदल दिया, मतलब मंजिल तो वही है, सिर्फ रास्ता बदल दिया, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से माइनस कर दिया मैंने, 4 माइनस 2 कितना होगा, 2 होगा, और फिर दोस्तों जो नंबर दिया है उसको मैंने मल्टीप्लाई करके मैंने 48 ला दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या करूंगा दोस्तों, लास्ट को फर्स्ट से मैं माइनस कर दूंगा मैं, तो 8 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, यहां पर आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, तो 8 से कितना होगा, 48 होगा, यहां पर 8, यहां पर 4 कैरी में चला गया, 6 टू 12, 12 प्लस 4 कितना होगा, 16 होगा, मतलब 168 इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ऐसे लॉजिक लगाकर आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सोच में पड़ जाते हैं स्टूडेंट के सॉल्व कैसे करें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं। देखिए दोस्तों यहां 2 यहां पर 5 है, तो एक काम करता हूं मैं, मुझे 5 लाने के लिए यहां पर प्लस 3 कर देता हूं, तो यहां पर 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो 5 दिया है तो यहां पर भी प्लस 3 करूंगा तो 8 आएगा, 8 है ऑप्शन में, ऑप्शन में 8 नहीं है, तो लॉजिक कुछ और होगा, क्या लॉजिक होगा देखते हैं। यहां पर दोस्तों प्लस 3 किया मैं, तो ये 2, ये 3 और ये 5, कुछ समझ में आया, ये तीनों दोस्तों प्राइम नंबर है, मतलब 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, 3 होगा, तो 2 प्लस 3 5 हो गया, ठीक है। तो अब दोस्तों 5 यहां पर दिया है, तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा, 7 होगा, तो यहां पर प्लस 7 करूंगा, तो 5 प्लस 7 करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा, ऑप्शन देख सकते हो आप, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों इस तरह सॉल्व किया जाता है, आपको प्राइम नंबर भी देखना होता है, ठीक है। तो नंबर एनालॉजी के अंदर यह ट्रिक भी सिखा दिया आपको मैं। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए आखिरी क्वेश्चन लेके, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है लेटर सीरीज से, लेटर सीरीज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेटर को ऑब्जर्व करना होता है कि किस पैटर्न में दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहां पर जी ए एच आई बी जे, लेकिन उससे पहले ऑप्शन देख लीजिए, अब देखोगे यहां पर ओई, मतलब पहले के दो लेटर देखिए सेम टू सेम है, तो पहले के दो लेटर फोकस नहीं करेंगे, लास्ट लेटर फोकस करेंगे, क्योंकि दोस्तों सब सेम ही तो है पहले दो लेटर, राइट। तो यहां पर लास्ट लेटर देखोगे तो एच, यहां पर जे, तो क्या हुआ है दोस्तों, एच के बाद दोस्तों आई आता है, तो आई के बाद यहां पर जे, मतलब एक लेटर छोड़कर एक लेटर लिया गया है, तो यहां पर एन दिया हुआ है, तो एन के बाद क्या आता है दोस्तों, एन के बाद ओ आता है, ठीक है। तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, मतलब देखिए यहां पर पी, मतलब देखिए पी क्या है, देखिए यहां पर ऑप्शन बी में है, लास्ट में पी दिया है, तो ओ ई पी, ऐसे ही टिक कर सकते हो आप, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने ट्रिक सिखाया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।